नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग कार्यक्रम आर पार। कल सियासी पिच पर कांग्रेस का दिन था और कांग्रेस ने जोरदार बैटिंग भी की, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी तो चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी गई। बीजेपी ने चुन चुन कर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी संसद के साथ साथ देश को भी लगातार भ्रमित कर रहे हैं, बिना किसी सबूत के बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। और सियासत के इस मैच का ग्रैंड फिनाले वाला दौर आया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि कल उनके भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था, यानी चीयर लीडर्स की बात करी। राहुल गांधी के हार्वर्ड वाले बयान पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो हार्वर्ड का बार बार नाम लेते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यही हार्वर्ड कांग्रेस के विलुप्त होने पर शोध कर चुका है, इसलिए उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। यानी बिना अदानी का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहां खड़ा होता है, क्या वाकई विपक्ष बिना किसी ठोस आधार के मोदी सरकार पर हवा हवाई आरोप लगाता आया है? आज इसका मैं संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का वार क्या जोरदार। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे। स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। यहाँ कुछ लोगों का हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं। भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को टपका कर फैसले करवा रहा है। 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। समय सिद्ध कर रहा है जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फैल हुए, और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी
तुम्हें यकीन नहीं। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, मोदी स्टाइल वाले पलटवार का विश्लेषण देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी एक तरफ है, संसद में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी। आइए पहले मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं और उसके बाद इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ही सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से बोला कि जितनी गाली आप मुझे देंगे, और पिछले 22 साल से आप मुझे गाली गलौच मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे पे झूठे आरोप बढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश की कोटि कोटि जनता ने उसका हर बार जवाब दिया है। और अब करते हैं मोदी स्टाइल वाले पलटवार का विश्लेषण। एक तरफ राहुल गांधी की बाइट आएगी, राहुल गांधी का भाषण हम दिखाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण दिखाएंगे। संसद में राहुल वर्सेस मोदी का विश्लेषण, करीब 40 मिनट तक बोले राहुल गांधी, और 99.9% भाषण गौतम अदानी के मुद्दे पर था, सिर्फ वहां केंद्रित था। 1 घंटे 25 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उनका पूरा भाषण देश के गरीब गुरबे और मिडिल क्लास पर फोकस था। बढ़ता हूं मैं आगे, बिना ठोस सबूत के सरकार पर आरोप लगाए और कई आरोपों का एक्सपंज किया गया पार्लियामेंट के भाषण से उनके, यानी कई आरोपों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जो आरोप थे वो निराधार थे और उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए राहुल गांधी, यानी उनके सबूत नहीं दे पाए। कोर वोट बैंक और आम लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाषण के कई हिस्से सदन की कार्रवाई से हटाए गए। मजबूती के साथ बिना नाम लिए अदानी वाले मुद्दे पर भी जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। जिस कंपनी पर दबाव की बात कही उस कंपनी ने बोला हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, यानी जीवीकी का नाम लिया राहुल गांधी ने, लेकिन उनके वाइस चेयरमैन ने कल बोला कि हम पे कोई दबाव नहीं था, ये बात झूठी है, ये निराधार है। तो राहुल गांधी को इसका नुकसान हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी इससे डाउन हुई, और जनता के भरोसे को अपना सुरक्षा कवच बताया दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था वो लुटियन श्रॉबी वाले इकोसिस्टम को संबोधित करने वाला था, क्योंकि उसमें सिर्फ गौतम अदानी की बात थी, अदानी ग्रुप की बात थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो उसमें गरीब की बात थी, उसमें मिडिल क्लास की बात थी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की बात कही जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि सुरक्षा कवच इस देश की जनता है मेरी। आइए मैं सीधा बढ़ता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है, सुधांशु त्रिवेदी और नासिर हुसैन है मेरे साथ फर्स्ट राउंड के अंदर, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर हुसैन, प्रधानमंत्री ने बोला कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और फिर भी आपको यकीन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बोला, योर रिएक्शन टू दैट नासिर हुसैन जी। आज लोकसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात रख रहे थे, जितने सवाल इनसे किए गए थे कांग्रेस पार्टी द्वारा और अपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे एमपीज द्वारा, उस पर इन्होंने एक बात नहीं कही। जितने सवाल खड़े किए गए थे उस पर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया। जब इनके ऊपर जितनी भी बात आई उसमें कोई सफाई इन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनको पता है कि सरकार फंसी हुई है दलदल में। सरकार जो अदानी वाले मामले में जिस तरह से फंसी हुई है उसे बाहर निकल नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाओ,
इस मुद्दे के बारे में बात मत करो, कोई तर्क मत दो, कोई इंक्वायरी मत करवाओ। ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी प्रधानमंत्री ने अपनाया है। जमीन तले पैर तले जमीन की इन्होंने बात की है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग चुनाव एनडीए ने जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अभी मैं कई चैनल्स में सुन रहा था, एंकर्स भी कह रहे हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं, भाई जनता उनके साथ में है, जनता उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी थी कई बार, 50-55 साल कांग्रेस की सरकारें भी थी, तो उस टाइम की जनता उनको वोट दी थी, वो सरकार में थे, उस टाइम की विपक्षी पार्टियां उनको सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था। आज की भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जी विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका में सवाल उठाना सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है, सबसे बड़ा रोल उनका यह होता है कि आप सवाल खड़े करो, लोगों के सामने मुद्दे लेके आओ। आज सिर्फ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट की बात नहीं है, दुनिया भर के 50 मैगजीन्स में, दुनिया भर के 50 जर्नल्स में ये बात छपी हुई है। आज देश के जनता के सामने सरकार की दावित्व होती है कि सरकार जो है अपने आप को साफ रखें, सरकार जो है अपने आप को क्लीन चिट अगर दिलाना चाहती है तो उनको जो है जेपीसी गठित करना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इंक्वायरी कराना पड़ेगा, उसमें जो है वो क्लीन आना पड़ेगा। अगर शेल कंपनीज नहीं है, अगर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक और LIC द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, अदानी जी को मोदी जी लेके अपने फ्लाइट्स में लेके घूमे नहीं है, आज जाने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो आप बता दीजिए देश को कि ये सब झूठ है, आप फलाने डेट पे वो आपके साथ नहीं थे फ्लाइट में, उनको फलाना कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला, श्रीलंका में नहीं मिला, बांग्लादेश में नहीं मिला, इसराइल में नहीं मिला इनके जाने से। जवाब लेके दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन ये जो लोगों का जो पैसा ठगा गया है, जो लोगों का पैसा इस्तेमाल किया गया अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को, अपने पूंजीपति दोस्तों को मदद करने के लिए, उसके बारे में कोई जवाब प्रधानमंत्री दे रही ना भाजपा के कोई सांसद, दोनों कोई सांसद ने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन राहुल जी ने जो ये बातें कही उनको एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा की कार्रवाई से, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। वही बोल रहा हूँ जी, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? पर ऑथेंटिकेट तो करना पड़ता है, पार्लियामेंट्री रूल है सर, आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑथेंटिकेट तो करना पड़ता है। क्योंकि अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिकेट करवाएंगे। अच्छा मैं आप जेपीसी करवाइए, ऑथेंटिकेट पार्लियामेंट पे करना पड़ता है, भाषण को जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? लेकिन देखिए जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? अच्छा बिल्कुल ऑथेंटिकेट होगा, बिल्कुल तर्क सामने आएगा, बिल्कुल एविडेंस लोग देंगे, बिल्कुल जो है प्रूफ लोग देंगे, सिर्फ सांसद नहीं देंगे, आप जी 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 सूत्रों भी देंगे। लेकिन लेकिन पीयूष गोयल ने जो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा के, उन्होंने जेपीसी की बात पर जवाब दिया। जी जी इत्मीनान से, और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूं कि जिस कंपनी का नाम लेकर राहुल जी ने आरोप लगाया था, उस कंपनी के वाइस चेयरमैन है संजय रेड्डी, यानी जीवीके कंपनी, उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप ने या किसी और ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला, ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत और कहानी है, उन्होंने डिनाय कर दिया इस पूरी बात से। तो जहां तक ऑथेंटिकेशन और सबूतों की बात है, पहला झटका यहां लगता है। मैं अब सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, किस लॉबी की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि उन्होंने बोला पूरा इकोसिस्टम कल बहुत ज्यादा विचलित था और सो भी नहीं पाया रात भर। देखिए यहां दो प्रकार के व्यू दिखाई पड़ रहे हैं। एक व्यू जिसका रिप्रेजेंटेशन या जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के प्रारंभ में ही देश के लिए सब कुछ करने की तपस्या का व्रत लिया और उसके बाद निरंतर सब कुछ छोड़कर देश के लिए कार्य करते करते सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और विगत 8 वर्षों से देश के सबसे गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान सीमा पर लड़ने वाला जवान और भारत का मान सम्मान सबके लिए समान रूप से काम करते हुए एक दिन की छुट्टी नहीं ली, जिसके लिए मैं कहूंगा जो उन्होंने पल पल की बात कही प्रधानमंत्री जी ने, तो इनका जीवन का तो ध्येय यह रहा कि स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दी, जांचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए हुए मोदी जी जिन्होंने देश के हर गरीब वंचित से लेकर देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, एक अत्यंत प्रभावशाली और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली परिवार के
एकमात्र विरासत के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने कभी उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया, जिनके साथ कौन खड़े हैं, लुटियंस जोन के कुछ पत्रकार, कुछ लॉबीस्ट, और अचानक विदेश में बहुत सारी शक्तियां जो अचानक प्रकट होती हैं किसी पार्लियामेंट सेशन के जस्ट पहले। मैं विनम्रता से कहता हूं, पर याद दिलाना चाहता हूं, पिछली सरकार से लेके इस सरकार तक, राफेल से लेके पेगासस से लेके आज के हिंडनबर्ग तक, ये ऐसा क्यों होता है कि जब पार्लियामेंट का एक सेशन शुरू होने वाला होता है उसी समय विदेश में एक कोई रिपोर्ट छप जाती है, वो एक स्टोरी छपती है और उसको लेकर कांग्रेस बवाल मचाना शुरू करती है और फाइनली उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। ये जो अद्भुत याराना है, जिसे कहते हैं बहुत याराना है, इस याराना का तराना थोड़ा संदिग्ध लगता है। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने की बात को एक्सपेंड किया गया, मान्यवर ये तो आप कह रहे हैं लोकसभा से एक्सपेंड किया गया, देखिए चौकीदार चोर को लेकर तो सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। संघ के प्रतिबंध के विषय पर महात्मा गांधी जी की हत्या में संघ के इन्वॉल्वमेंट के आरोप को लेकर कोर्ट से फटकार सहनी पड़ी, मुकदमा अभी भी चल रहा है। कोविड को मोविड कहने वाले, ऐसे हास्यास्पद बयान देने वाले, दुखद बयान देने वाले, वो देश के पहले व्यक्ति थे। और अप्रैल 2021 में जब पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, ये ट्वीट करने वाले कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, तो भाई एक्सपंज तो उनकी तमाम चीजें हो चुकी है, हमें करने की जरूरत नहीं, वो अपने कर्मों से लेते हैं। जी जी, नासिर हुसैन, आज उसको लेकर अमित शाह ने बड़ी घोर टिप्पणी करी, और जब अधीर रंजन चौधरी, अधीर बाबू जो कि एलओपी है और कांग्रेस के नेता है सदन के, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को आपने पप्पू बना दिया, आप पप्पू बना रहे थे लेकिन उन्होंने आपको पप्पू बना दिया, तो अमित शाह ने बोला कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इस तरह के शब्द कहे जाए। क्या आपको लगता है कि आप बस को मिस कर गए? एक बड़ा मौका था बजट पे सरकार को घेरने का, मिडिल क्लास के मुद्दे पर सरकार को घेरने का, गरीब गुरबे पे सरकार को घेरने का, लेकिन राहुल जी का जो पूरा भाषण था वो 99.9% वाज फोकस्ड ऑन अदानी अदानी एंड ओनली अदानी। अमित जी आप ज्यादा परेशान मत रहिए, बजट लोकसभा में बजट के ऊपर डिस्कशन अभी स्टार्ट हुआ है, राज्यसभा में कल दोपहर के बाद बजट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा, तो उसमें जो जो बजट के ऊपर हम लोग को बात रखना है हम बिल्कुल बात रखेंगे। और दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे, इन्होंने सब पे बात की। देखिए इन्होंने 2014 के पहले क्या था, बाद में क्या था, प्रधानमंत्री का रोल, किस परिवार से आते हैं राहुल गांधी जी, किस परिवार से आते हैं, सब पे बात कर रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जो स्ट्रैटेजी अपनाई वही सुधांशु त्रिवेदी जी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। सवाल यह है, ये जो यारी बोल रहे हैं ना, किसकी यारी, सवाल यारी पे ही खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में, कौन किसका यार है, कौन किसको मदद कर रहा है, और वो यार वो उल्टा इनको किकबैक कैसा दे रहा है, कैसा वो यार इनको, या कई यार जो इनको मदद कर रहे हैं, इसी पे सवाल खड़ा हुआ है। आप जनादेश क्या मिला, आप दूसरा क्या काम करे, उसका एनालिसिस होता रहेगा, फिर चुनाव में जाएंगे, लोगों के बीच में बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है, जी, आज एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लोज के जो गरीब लोगों के बारे में सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं ना, त्रिवेदी जी ये लो पैसा जो लुटा है, जो पैसा दिया गया है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा लुटा हुआ है वो गरीबों का पैसा है। एलआईसी में पैसा क्यों, एलआईसी में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं लोग अनफोर्सिन इमरजेंसी के लिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वहां से पैसा निकालते हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए वहां से पैसा, सही कह रहे हैं बिल्कुल, वहां से पैसा आप अपने दोस्तों को दिलाते हैं। आज जो एलआईसी ठगी हुई है, नहीं तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं नासिर हुसैन, आई एग्री विद यू, लेकिन वही तो बात हुई कि सदन में ऑथेंटिकेट करके बताइए एलआईसी का कितना पैसा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आपने बिल्कुल जायज बात बोली। अमित जी आप रुकिए ना, नहीं सवाल तो सुनना पड़ेगा ना सर आपको। अमित जी आप सरकार को क्यों डिफेंड करने लगे? मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं देश की जनता को डिफेंड कर रहा हूं और मैं जनता का वकील हूं सर, इसीलिए मैं तो आपको तो मौका दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सही बात कह रहे हैं। मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है कि एलआईसी का कितना पैसा डूबा ये बताइए, क्योंकि एलआईसी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करी है, एक नोट जारी किया है, सेबी ने भी एक नोट जारी किया है। अरे आप नहीं सुनिए अमित जी, एलआईसी प्रेस रिलीज जारी करेगी, बैंक स्टेटमेंट देगा, जीबीके वाले स्टेटमेंट देंगे, आप किससे किससे स्टेटमेंट दिलवाते रहेंगे, सरकार आपकी है, आप जो भी स्टेटमेंट दे वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो सही है गलत है कौन बोलेगा,
स्टेटमेंट जो बैंक्स दे रहे हैं, LIC दे रहे हैं, वो सही है गलत है कौन बोलेगा? ठीक है, इंक्वायरी होना चाहिए नहीं चाहिए? पर निर्मला जी ने कहा सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के इंक्वायरी नहीं हुए हैं, इंक्वायरी करवाइए। आप डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आप डर क्यों रहे हैं इंक्वायरी कराने के लिए? बड़ा सीधा सवाल है नासिर हुसैन का, डर रही है भारतीय जनता पार्टी, भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो आज हावड़ तक चले गए, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का राइज और फॉल कैसे हुआ वो स्टडी हो रही है, अब तो पूरे दुनिया में कई एजेंसी को स्टडी करना पड़ेगा ऐसा। आप क्यों भाग रहे हैं अमीर जी? आपने जब डर का वर्ड यूज किया और नासिर हुसैन साहब ने डर का वर्ड यूज किया तो अचानक मेरे मन में एक दृश्य आ गया। आप याद करिए, कश्मीर की वादी में बर्फबारी के बीच में बर्फ के गोलों से खेलते हुए दो भाई बहन प्रमुदित मन से कितनी प्रसन्नता के साथ बेखौफ खेल रहे थे। ये वही कश्मीर वादी थी जहां सेना भी बेखौफ नहीं चल सकती थी। आपके दौर में पत्थर फेंके जाते थे, वहां बर्फ के गोले फेंके जा रहे थे, वहां जहां प्रधानमंत्री जी ने बताया। आप पूरी बात बोल रहे हैं, अभी आ रहा हूं, अरे चिंता मत करिए, आ रहा हूं। अरे अदानी पे आइए ना, अदानी पे मत होइए, डरिए मत। अदानी का है, जहां पर आपके दौरे हुकूमत में 10 साल जिस कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, ये 88 से 98 की बात है, जिस दौर का उल्लेख मोदी जी ने किया जब 1992 में हमारी यात्रा गई थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में और युवा नेता के रूप में मोदी जी उसके संयोजक थे, वहां आज जलवे से झंडा फहराया, मगर उसमें डर लगता था। और जब संगीनों के साए में राज्यपाल की भी हिम्मत नहीं थी झंडा फहराने की तो डर नहीं लगता था। अब आपके ऊपर, आज के इस विषय के ऊपर आता हूं, बिल्कुल आपसे विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं, LIC का कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के साथ? LIC ने साफ बताया 1% डूब गया। अरे भाई, किस बात का हो हल्ला मचाने लगते हैं जब उन्होंने बताया कि 1% से ज्यादा उनका स्टेक में एक्सपोजर ही नहीं है, वो डूब गया। चलिए शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। किसी भी चीज में वित्तीय घाटा हुआ या नफा हुआ या नुकसान, ये वित्तीय वर्ष के बाद तय होता है। कम से कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ ग्रोथ भी क्वार्टरली तय की जाती है, यानी 3 महीने में एक बार तय की जाती है। ये 3 दिन में शेयर मार्केट में निष्कर्ष ड्रॉ करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब जांच कर दी जाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक विदेशी मैगजीन ने एक विदेशी रिपोर्ट के ऊपर, मीडिया में छपी रिपोर्ट के ऊपर, भारत के इतिहास में आज तक कब JPC गठित हुई है, मैं पूछना चाहता हूं। ओके, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, आप भी पार्लियामेंटेरियन है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। एक सिंगल मीडिया, जी जी, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है 30-30 सेकंड में, 40-40 सेकंड में अपनी बात रखें, ज्यादा लंबा बोल रहे हैं आप दोनों, मेरे दोनों सम्मानित मेहमान है, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं। नासिर हुसैन, वो कह रहे हैं विदेश में एक रिपोर्ट छपी, उस पर कब JPC गठित हुई है, पिछले 75 साल पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड को निकाल लीजिए, बताइए। सुधांशु त्रिवेदी का स्ट्रेट क्वेश्चन है, रिप्लाई टू अमीश जी, पहले तो इनको कश्मीर वाले मुद्दे पे इनको जवाब दे दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी से लेके सारे के सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हुए थे वो सब पहुंचे थे कश्मीर, वो सब वहां पे जाके पूरी तरह से जो है वहां पे झंडा भी फहराए, वहां लोगों के साथ रहे भी, सुरक्षा भी कश्मीरियों को दिए, सौंप दिए। आज उसमें कितने पंडित मारे जा रहे हैं वहां पे, कितने पंडितों का अब किलिंग्स हो रहा है, वो देश के सामने आंकड़ा रख दें फिर समझ में आ जाएगा कश्मीर में क्या हाल है। एक दूसरी बात जो है, ये बार बार जो कह रहे हैं कितना पैसा, 1% भैया अडानी का 1% हो या आधा परसेंट या क्वार्टर परसेंट हो, LIC का कितना पैसा है, कितने करोड़ों गरीबों का पैसा है, अरे LIC का कितना पैसा है, कितने गरीबों का पैसा है, ये पैसा गरीबों का है, उनमें कितना 1% होगा 20% होगा पता नहीं। LIC SBI मिला के जो 84,000 करोड़ रुपए का जो मामला है, ये किसका पैसा है? गरीब आदमी के लिए, उसके लिए 50,000 भी, 25,000 भी, लाख रुपए भी उसके जो बैंक से ठगे जाते हैं, तो उसका हार्ड अर्न्ड मनी है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, शेल कंपनीज क्या बने नहीं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं? सुधांशु, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब दूंगा। इनका खर्चा ऑलरेडी, अमीश जी एक मिनट, जी जी जी, ऑलरेडी जब खर्चा था बैंकों में और LIC में, फिर दोबारा उनको खर्चा दिया जाता जी, है जी, ड्यू डिलीजेंस इनकी कंपनी के बारे में, ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसका रिप्लाई ले लूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आप देखते रहिए आर पार। सुधांशु होल्ड करिए, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी भी आ रही है, ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद बताऊंगा आर पार में आपको। अभय दुबे, अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे। देशों के विमान
तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही। अब तक करीब 2,500 लोगों की गई जान, 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत। भूकंप के और झटके आने की आशंका। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की। राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप। आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से मची अफरा तफरी। आग में जलकर राख हुई पूरी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के सीधी में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। बिहार के सीवान में सरेआम हत्या से मची दहशत। बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारी गोली। परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 294 पेटी अवैध शराब जब्त। पुलिस ने शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के गिरोह का पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार। 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 90 एटीएम कार्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दम घुटने की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रहने वाले थे सभी लोग। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमसीडी दिल्ली सरकार, एलजी दफ्तर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नोटिस जारी। सोमवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी आरोपियों की रिहाई के फैसले पर विचार। खुली अदालत में हो सकती है याचिका पर सुनवाई। महंगी हो सकती है होम लोन की ईएमआई। रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है। महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई। बिहार के भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अलर्ट जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। 4 घंटे तक कर्मचारी करते रहे कड़ी मशक्कत। पाकिस्तान में बदहाली से परेशान लोग। किडनी बेचने के लिए तैयार एक आदमी ने किया ट्वीट। लिखा, मेरे पास नहीं बचा कोई और रास्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत। पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली तो कई जगह ब्लैक में। 400 रुपए प्रति लीटर तक में बिक रहा है तेल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली की सप्लाई ठप होने पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इस्लामी नारे लगाती दिखाई दी दुल्हन। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने किया युद्धाभ्यास। आसमान में उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास। अमन 23 के नाम से कई देशों की सेना करेंगी ड्रिल। कल से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ अफरीदी पर लगाया 2 साल का बैन। भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगा प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अमेरिकी संसद में संबोधन। बोले, चीन या किसी और देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत। 1 साल पहले भी जंग पर हुई थी बात। एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखा किम जोंग उन का परिवार। 75वें आर्मी फाउंडेशन डे के मौके पर दिखाई दी पत्नी और बेटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने चलाया आंसू गैस के गोले। लोग कर रहे हैं पेंशन संबंधी प्लान का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग। 4 दिन में हजारों हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे फायर फाइटर्स। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल
धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। क्रिमिनल माइंड, मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया। लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकल होकर बनी है यह जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देख कर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने डोर टू डोर अभियान चलाया, कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, राजनगर में हुई विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। त्रिपुरा के उनाकोटी में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे। त्रिपुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगरतला में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी, मंदिर में की पूजा। नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में कल शामिल होंगे अमित शाह, 25 नशा मुक्त केंद्रों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के कच्छ में G20 के तहत पर्यटन से संबंधित पहली बैठक, सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रूपाला हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, पौराणिक मान्यताओं का किया जिक्र। तुर्की में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, अब तक हुई तबाही में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 34,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में तबाही के बीच जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों से मिल रही है मदद, राहत और बचाव के लिए 3,000 से ज्यादा लोग तुर्की पहुंचे। तुर्की के अदन पहुंचा भारतीय सेना का विमान, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया राहत का सामान। भारत की दो टीमें पहुंच चुकी हैं तुर्की, बनारस से एनडीआरएफ के 51 सदस्यों की टीम होगी रवाना, डॉग स्क्वाड और दूसरी जरूरी मशीनें भी होंगी रवाना। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर तुर्की के अदन पहुंचा चीन का विमान, मेडिकल स्टाफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो ट्वीट किया है और कांग्रेस पे तंज कसा है। वो वीडियो क्या ट्वीट किया है आपको मैं दिखाता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पे तंज है, वो वीडियो क्या है आइए देखिए। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया, राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते, माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते।
ये धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभय दुबे, आपका रिएक्शन, फिर सुधांशु मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि नासिर हुसैन की बात का भी आप जवाब देना चाह रहे थे लगातार। अभय दुबे, आपका रिएक्शन अभय जो धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है, क्योंकि अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री को और बोलना पड़ा आप ही के सांसद को कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। अमित देवगन जी, आज प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था सदन में, दुष्यंत कुमार का एक शेर उन्होंने पढ़ा है, मैं भी प्रधानमंत्री जी के सम्मुख एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस पत्थर दिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और राहुल जी बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। जितनी दृढ़ता से राहुल जी ने पोल भारतीय जनता पार्टी की खोली है, समूचा देश जान गया है। प्रधानमंत्री जी, ये हार्वर्ड की रिसर्च का विषय नहीं है, ये हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया है कि 38 शेल कंपनियां जो गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी और उनके एसोसिएट्स की हैं, जिस पर गौतम अडानी जी ने हिडनबर्ग को रिप्लाई में कहा है कि वो उनकी कंपनी का सरोकार नहीं है विनोद अडानी जी से, जबकि 38 शेल कंपनियां हैं, क्योंकि वो डिफेंस के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, सामरिक महत्व के सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसलिए भारत की सुरक्षा का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों के खाते में पैसे डाल, प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में पैसे डालने का प्रश्न ही नहीं था, गौतम अडानी जी के खातों में लाखों करोड़ रुपए कैसे आए उसका प्रश्न था, 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद की बात कही, देश ये जानना चाहता है कि सत्ता ने कितना आशीष गौतम अडानी जी को देकर रखा। और आपने कहा कि विरोधियों ने शस्त्र से भेदने की कोशिश की, विरोधियों के शस्त्र के भेदने का सवाल नहीं, प्रधानमंत्री जी बताइए कि सत्ता ने कितनी ढाल गौतम अडानी जी को मुहैया कराई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गालियां पिछले 22 साल से देख रहे हैं लेकिन जनता का प्यार भी मुझे अपार मिल रहा है। वो कह रहे हैं गालियां पिछले 22 साल से दे रहे हैं, झूठे मनगढ़ंत आरोप पिछले 22 साल से आप मुझ पे लगा रहे हैं लेकिन जनता का आशीष आशीर्वाद भी कोटी कोटी मिल रहा है, ये बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। जवाब इस बात का 30 सेकंड में, फिर सुधांशु। हम आठ साल से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और दुष्यंत कुमार जी का शेर मैं आपके को फिर समर्पित करना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग भाषण देते देते चिल्लाने लगे हैं, अब तो पानी बदल दो इस तालाब का, इस तालाब में कमल अब कुमलाने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दिए, तब आपने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपने तो मुंद्रा पोर्ट दिया था, आपने तो अडानी को मुंद्रा पोर्ट दिया था, वो किसके कहने पे दे दिया था, बदलने की कोशिश की, मुंद्रा पोर्ट किसके कहने पे दिया था, 6 SEZ किसके कहने पे दिए थे अडानी को, किसकी सेटिंग थी अडानी के साथ उस समय, जवाब दीजिए इस देश को आप लोग। अब आप प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं अडानी जी के, आप कौन की बात कर रहे हैं, ये भाजपा तो बने तो बने, आप क्यों बन रहे हैं, आप मुंद्रा पोर्ट पर हमने कार्रवाई की, हमको शिकायत मिली कि मैनग्रूव्स को कैसे निराधार, मैं प्रमाण दे रहा हूं, मेरे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई ने हड़ताल की, जानते हैं सदन के अंदर आपके सांसद राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और नीति आयोग का विरोध किया था, उनके बयान को हटाना पड़ा सदन की कार्यवाही से क्योंकि उन्होंने गलत बयानबाजी करी थी, उस पर नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि ये हाई इंटेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें है, इसलिए 2 एयरपोर्ट से ज्यादा एक बिडर को नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, जो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट दिए गए थे, सुधांशु त्रिवेदी, दुष्यंत कुमार का एक और शेर पढ़ा गया, प्रधानमंत्री जी ने एक शेर पढ़ा था, दोनों एयरपोर्ट कांग्रेस ने सारे कानून ने पलटवार करते हुए एक और शेर पढ़ा है। अबे जी ब्रेक से पहले भी आपके सांसद बोल रहे थे, 2 मिनट वही बोले थे, अब फाइनेंस है, अब आपने अपनी बात को रख लिया हो, पक्ष में सेटल किया। ओके सर, आप ब्रेक से पहले आप ही के सांसद बोल रहे थे, अनफेयर हो रहा है। नहीं, मुझे आपने बीच में बोलने ही नहीं देते। बिल्कुल बोला आपने सर, इतनी देर सुधांशु जी को बोलने दिया। जी सुधांशु जी 20 मिनट से बोल रहे हैं। कोई 20 मिनट से नहीं बोल रहे सुधांशु जी, नासिर हुसैन आप ही की पार्टी के सांसद है, किसी और की पार्टी के सांसद बता दीजिएगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, कमाल की बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी, लेट्स बी फेयर ना, आप लोग खुले में झूठ बोल रहे हैं, ये जायज तो नहीं है ना,
20 मिनट से सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। 8 मिनट तो ब्रेक था, समर्थन में उतर आते हैं अडानी जी के, बताइए ना। अरे मैं देश के समर्थन में हूं, बात कर आप पब्लिक डोमेन में सारा 2019 से रिपोर्ट हो रहा है सारे। मैं देश के मिडिल क्लास की बात करना चाहता हूं, देश के युवा की बात करना चाहता हूं, गरीब की बात करना चाहता हूं, शोषण की बात करना चाहता हूं, वंचित की बात करना चाहता हूं, मैं देश की बात करना चाहता हूं, आप सिर्फ अडानी की बात करना चाहते हैं। फर्क यही है आपकी और मेरी सोच में। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। एक और दुष्यंत कुमार का शेयर पढ़ दिया, लेकिन ये वीडियो सबने देखा था, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को ट्वीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई दोबारा? देखिए, इन्होंने एक शेर पढ़ा तो मैं भी बता देना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सारा विपक्ष मिलकर अपना एक मेरे सुर मेरा तुम्हारा करना चाह रहा है, पर उसके बाद भी इनका गीत नहीं बन पा रहा है। तो मैं अटल जी की वह पंक्ति याद दिलाता हूं, जब जनता पार्टी बिखरी थी उस समय उन्होंने बात कही थी, वो आज विपक्ष के उन चेहरों के ऊपर बिल्कुल सही लागू होती है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। अब ये तिलिस्म और दाग दोनों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं अभय दुबे जी को। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो यह सही था और वह उनकी योग्यता पे था। नरसिम्हा राव जी के समय में सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 1995 में मिलेगा, वो बिल्कुल सही नियमानुसार था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 2007-08 में उनको FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, वह बिल्कुल नियमानुसार सही था। 2011 में उनकी वेल्थ में जबरदस्त उछाल आएगा और देश के 7वें रिचेस्ट व्यक्ति बनेंगे। 2012 में उनकी वेल्थ $8.2 बिलियन होगी, वह सही था। आज सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में तो राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 60,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार ने, क्यों नहीं जांच करवा रहे उसको कैंसिल करके? 11,000 करोड़ रुपए का दिया हुआ है बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, काहे दे दिया है भाई, काहे जांच नहीं करा रहे? तो देखिएगा अभी बोलेंगे अमित जी, नहीं नहीं वो तो सब नियम के अनुसार था और उन्होंने बिट किया और वो L1 आए तो मिल गया। अद्भुत है भाई, आपके सारे प्रधानमंत्री देंगे तो वो नियम से सही था, आपके मुख्यमंत्री देंगे तो नियम से सही था, और यहां पर होगा तो आप कहेंगे नियम से गलत था। अब मैं एक बिंदु और कह दूं, जी सुधा, ये बहुत विदेश की बात कर रहे हैं, जो प्रश्न मैंने उनसे नासिर हुसैन साहब से पूछा था, अभय दुबे जी से कह दूं, मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर कोई जांच या JPC हुई हो तो बताइए। हिंडनबर्ग को अमेरिका की कोर्ट ने बैन कर दिया है कि वो कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि उन्होंने पूर्व में रिपोर्ट करके पैसे कमाए हैं। मैनहट्टन के जज ने भी यह बात कही है कि जिसने खुद शॉर्ट टर्म में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हो उसकी बात पे भरोसा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई किस पे भरोसा है? और अगर अभय जी एक पंक्ति और कह दूं, अमित जी अभय जी एक मिनट बस एक पंक्ति और कह दूं, और अगर विदेश में छपी खबर पे जांच चाहते हैं तो बस 10 सेकेंड्स में देखिए, स्विट्जरलैंड की श्वाइजर्स एलिस्टेटे ने November 1991 में यह लिखा था कि एक स्विस बैंक का अकाउंट है जिसमें $1.87 बिलियन हैं राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। जांच करवाएंगे KGB मित्रों किन्स आर्काइव में जांच करवाएंगे? येवेग्ना एल्बर्टस KGB की पूर्व चीफ ने सोनिया जी के बारे में विदेशी एजेंट तक लिखा था, जांच करवाना चाहिए क्या? वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन सद्दाम हुसैन से मिले, कांग्रेस पार्टी को अनाज के बदले में, जांच करानी चाहिए क्या? मीडिया में छपी विदेश की कितनी रिपोर्टों पे, गाइडो हेस्के पे जांच करवाएंगे कि क्रिश्चियन मिशेल पे जांच करवाएंगे? बताइए, यदि करनी है तो आइए सब पे बात करते हैं, बताइए कि एक मीडिया रिपोर्ट पे जांच। ठीक है तो अभय दुबे जवाब, सद्दाम के कूपन पे भी जांच होनी चाहिए तो स्विस बैंक के अकाउंट पे भी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, BJP आपको चैलेंज कर रही है, जवाब संक्षेप में 50 सेकंड। मैं तो हतप्रभ हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा लगता है कि अडानी जी के कंपनी के प्रवक्ता बनकर बैठे। अरे 38 कंपनियों के नाम दिए हैं साहब, मत कीजिए हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर कार्रवाई, मगर अडानी जी ने जो हिंडनबर्ग को रिप्लाई फाइल किया है उस पर तो कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कौन विनोद अडानी, मेरी कंपनी से उसका सरोकार नहीं।
अरे अगर विनोद अडानी एंड एसोसिएट्स की 38 कंपनियों के नाम दिए हैं, उन्होंने कहा ना उसकी वेबसाइट है ना उसके पते पर कोई मिलता है, भारतीय एजेंसियों के रडार पर एक चीनी आदमी है वो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, अडानी जी डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, तो भारत के सामरिक दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो जांच कराइए। जांच भी नहीं कराना चाहते, क्यों इतने सारे फायदे दिए? हमारे पास अडानी मुंद्रा पोर्ट की शिकायत आई थी मैन ग्रुप्स की, सुनीता नारायण ने जांच की, 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, हमारी सरकार चली गई, क्या हुआ उस पेनल्टी का? मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो परामर्श दिया उसको दरकिनार कर दिया, नीति आयोग ने कहा 6 एयरपोर्ट मत देना उसको दरकिनार कर दिया, आपने 2000 एक्ट का वायोलेशन, 8 के कानून का वायोलेशन करके दे दिया आपने, उन्होंने कहा था 6 एयरपोर्ट अलग अलग ट्रैफिक डेंसिटी और वॉल्यूम है, अलग अलग बिड निकालिए, नहीं जी, 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 एक ही जैसे बिड डॉक्यूमेंट तैयार किए उनके, ठीक है, जवाब जवाब लेते हैं एविएशन को पता भी नहीं था कि ये सब चल रहा है पीएम और उनके बीच, उसने तो आप जवाब देखिए सुधांशु 30 सेकंड एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं, 30 सेकंड मैंने तो इनसे स्पष्ट रूप से आधा दर्जन रिपोर्टें विदेश की बता दी। चलिए आप कह रहे हैं कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, अरे आपकी तरफ 6 हैं, मैंने राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, और आप सुनिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पिनारी विजयन, अरे 6 उधर है एक इधर है, गजब की बात कर रहे हैं यार। आपको तो, अगर लगता है गलत है तो क्या कार्रवाई की बताइए, तो फिर राजस्थान की सरकार करेगी, आप कहिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया या नहीं, अगर आपने खुद नहीं आप किया है यही तो बेनकाब होते क्या बात करते हैं और हमसे सवाल कह रहे हैं, जांच करवाइए, अगर आपको लगता है गलत है तो कार्रवाई बताइए ना, क्या की है बोलिए, उसके जवाब आप लोगों ने नहीं क्यों नहीं किया है? नहीं नहीं मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं अभय दुबे आपसे पूछना चाहता हूँ। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खड़े होकर बोला कि एंकर खरीद रखे हैं, उनको एंकरों का नाम लेना चाहिए कौन से एंकर खरीद रखे हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह से अनर्गल बात मीडिया के ऊपर कहना जायज नहीं है, ये बतौर एंकर एक बतौर पत्रकार में अभी बात कह रहा हूं जिसने कांग्रेस की रिजीम में भी कवर करा है, भाजपा की रिजीम में भी कवर करा है, गैर भाजपा और कांग्रेस की रिजीम में भी कवर करा है, इट इज नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैंने आज तक नहीं देखा कि कंपनियों पर, निजी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, आरोप कह रहा हूं मैं, और वो देश की सामरिक सुरक्षा का विषय है, और देश का कोई एंकर चैनल पर आकर कंपनी को डिफेंड करे, कंपनी को डिफेंड करने की बात नहीं है, आप मुझे बताइए उन्होंने जो आरोप लगाया खरीद रखे गलत आरोप है, कंपनियों को डिफेंड कर रहे हैं, अरे उनको वो कैसे गलत आरोप, ये साबित करिए, फिर साबित करिए अगर ये आरोप चाहिए तो साबित करिए, अफेयर्स की नहीं सुनी, कौन से एंकर का नाम लिया साबित करेगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंशी है, क्या मेरे हक में फेस, हमने कहा जेपीसी कराइए, जेपीसी करा दीजिए, प्रूव हो जाएगा, मेरे साथ सुजाता पांडे और अनुराग गुदरिया भी है, अनुराग गुदरिया सिद्ध हो जाएगा, ओके अनुराग गुदरिया जी, जी 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 देखिए आज दुष्यंत जी की बात बहुत हो रही है, तो दुष्यंत जी का एक शेर मुझे याद आ गया और मुझे लगता है कि सुधांशु जी उसकी गंभीरता को समझेंगे, कहां तो तय था चिरांगा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आपने क्या किया भैया, आपने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आप बताइए क्या किसानों की इनकम दुगनी होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं, 30 साल से 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस बीजेपी पे दोष दे रही है, बीजेपी कांग्रेस पे दोष दे रही है, फिर कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे, गरीब आदमी बेचारा मुंबई देख रहा है ये दोनों क्या कर रहे हैं भैया, दोनों आपस में ही बॉल खेले जा रहे हैं, हमारे बारे में कब बात होगी, कब चर्चा होगी, युवा सोच रहा है भैया मेरी चर्चा होगी कि नहीं होगी, गांव में बैठे लड़के सोच रहे हैं, महिलाएं सोच रही मेरी सुरक्षा की बात होगी कि नहीं होगी, बच्चे के उनके माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारी एजुकेशन पे चर्चा होगी कि नहीं होगी, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हो क्या, मेडिकल कॉलेज की फीस क्या गरीब घर का बच्चा भर सकता है क्या, 20 से 40 लाख रुपए की बात करता है, मेडिकल कॉलेज की गरीब गुरबे की, विपक्ष तो अमीर आदमियों की बात कर रहा है, अडानी की बात कर रहा है, बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, महंगाई 8% करीब हो गई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते भाई, इससे ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों हो रही है, मेरा सीधा सा सवाल है, इस पे चर्चा होती क्यों नहीं है, न शिक्षा पे चर्चा हो रही है, न स्वास्थ्य पे चर्चा हो रही है, न युवाओं पे चर्चा हो रही है, न महंगाई पे चर्चा हो रही है, न प्रधानमंत्री रोजगार भी था, नौकरी भी थी, गरीब की भी बात थी, मिडिल क्लास की भी बात थी, देश की भी बात थी, राष्ट्रवाद की भी बात थी, भटका कौन रहा है, ये आप आईना किसको दिखा रहे हैं, भटका ये दोनों पार्टियां भटकाने में,
ये दोनों भटकाने में लगी हैं, दोनों भटकाने में लगी हैं कि जनता की बात ना हो जाए, जनता की समस्या की बात इस सदन के अंदर हो जाए या सदन के बाहर भी चर्चा नहीं करवाना चाहते। सुजाता पांडे जी, अमीश जी, जैसे जैसे कि आपके पैनल पे भी दिख रहा है कि विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं। एक एक जो है अदानी के पीछे पड़ा है, दूसरे अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना के बैठ जाता है। यही शायद यही बातें शायद प्रधानमंत्री ने आज कही कि 140 करोड़ का जो लोगों का विश्वास है वही उनका सुरक्षा कवच है। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो जो अनाज जो क्रिटिसिज्म वो जरूरी है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूरी हो, कंपल्सिव क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स बनने की जरूरत नहीं है। आज का भाषण देख लीजिए, मुझे लगता है कि आज के भाषण के बाद हर एक भारतीय को युवराज सिंह की वो T20 की वो पारी याद आ गई जहां पे 6 बॉल पे 6 छक्के जड़े थे। मतलब प्रधानमंत्री बोलते गए, एक एक मुद्दे चलते गए, और साथ ही साथ राहुल गांधी का वो जो बड़ा सा PR हुआ रीलॉन्च करने का प्रोग्राम, वो भी धराशायी रह गया, क्योंकि एक भी तथ्य जो वो कल आरोप लगा रहे थे उसमें सिवाय फोन पे कुछ कुछ तस्वीर दिखाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि आज जो मुद्दे पे आते हैं, जो अदानी हो रहा है, अमीर जी बहुत गंभीर समस्या है, और इस पर समझना जरूरी है कि अदानी के पीछे की कहानी क्या है। अगर अदानी एक भारतीय व्यवसायी डूबते हैं तो इससे फायदा किसको होगा अमीश जी? अगर अदानी को विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स मिलते हैं, बंदरगाह मिलते हैं, तो इससे भारत को तो फायदा होता है, लेकिन नुकसान किसका होगा? क्या उन चीनी कंपनियों का नुकसान नहीं होता है? क्या उन अमेरिकन कंपनियों का नुकसान नहीं होता है जो इसी टेंडर और बिडिंग में उनके साथ होड़ में लगी हुई थी? क्या क्या चीन के साथ में MOU करने वाले पार्टियों का नुकसान नहीं होता है? तो आज जब ये सारी बातें हो रही है कि हिडनबर्ग पे चर्चा होनी चाहिए, तो मैं देश की जनता की एक मांग आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगी कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी ने MOU साइन किया था चाइनीज जो पार्टी है PLA के साथ में, उस MOU में क्या था, उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, वो व्यापक होनी चाहिए। एक रिपोर्ट पे अब अमीश देवगन जी, बहुत कोशिश की सब लोगों ने अडानी जी के पक्ष में बयान देने की, अडानी जी नहीं डूब रहे हैं, देश के सरकारी बैंक जिन्होंने लोन दिया है उन वो खतरे में हैं, वो निवेशक जिन्होंने LIC में और SBI में अपने शेयर्स लगा रखे हैं वो डूब रहे हैं। अरे सुनिए, नहीं अरे आप बिल्कुल मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था अमीश जी, गलत बात कह रही, बिल्कुल सुनिए, आप LIC के बात को नहीं मानते, आपने GVK का कॉन्टेक्स्ट दिया, GVK के कॉन्टेक्स्ट को आप नहीं मानते, आप अडानी जी की प्रवक्ता हैं, पहले बोलिए अडानी जी की प्रवक्ता हैं, तो हम उस दृष्टिकोण से बात, विनोद अडानी को नहीं, विनोद अडानी को जानती हैं आप, वो तो नहीं जानते, आप जानती हैं, असत्य को बेनकाब करूंगी, क्या बात कर रही हैं आप, जानती है एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट के एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया, क्या कहा कि सामान्य नागरिक को, जयपुर का एयरपोर्ट 782 करोड़ रुपए से पहले डेवलप कर लिया गया था, लखनऊ पे 583 करोड़ रुपए से डेवलप कर लिया गया था, अहमदाबाद का 336 करोड़ रुपए से डेवलप कर लिया गया था, बेंगलुरु का 400 करोड़ रुपए से डेवलप कर लिया गया था, गुवाहाटी का 823 करोड़ रुपए से डेवलप कर लिया गया था, क्या आप हमें दूसरे को पता है? एक सेकंड, आप दोनों को मेरा निवेदन है, आक्षेप लगाने से पहले ये तीन उंगलियां जो जा रही हैं आपके, वो बताइए, अमीश जी इनसे पूछिए, ये हिडनबर्ग के स्पोक्सपर्सन है क्या, इनको कैसे विश्वास हुआ, हिडनबर्ग को पता है अपने ही देश में प्रतिबंध, अच्छा एक सेकंड, सुजाता पांडे अपनी टर्न पे, सुजाता पांडे मेरा निवेदन, एक सेकंड मुझे ऑडियो डाउन में करना पड़ेगा, मेरा निवेदन है अपनी टर्न पे सब बोले तो बेहतर रहेगा, ओके। अब जी आप अपनी बात को समाप्त करिए, 30 सेकंड का आपका वक्त है, और प्रधानमंत्री ने जो कई बातें बोली और जो एक सीरियल अटैक लगातार करा, उन्होंने बोला कि आप चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हो, EVM को गाली देते हो, आप पर भ्रष्टाचार के आरोपों की पहले आप कहते हो जांच कराओ, फिर जांच हो तो फिर आप एजेंसियों को गाली देते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक को गाली देते हो, और तो और क्या आपको लगता नहीं है कि आप हर मानक को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं? आप कहते हैं हमारा इट इज माय वे और इट इज हाई वे, या तो मेरी तरह चलेगा या हमारी तरह नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं, आप भरोसा कीजिए ना, आप क्यों नहीं जांच इनिशिएट कर रहे हैं? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉय ने हड़ताल नहीं की?
क्या उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया? मैंने लाइन से गिना है, जयपुर के एयरपोर्ट पे अडानी जी को देने के पहले 782 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लखनऊ पर 583 करोड़, अहमदाबाद पर 336 करोड़, बेंगलुरु पर 400 करोड़, गुवाहाटी पर 823 करोड़, उसमें क्लॉज था। मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी पे यकीन करना चाहते हैं। देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी पे यकीन करिए ना करिए, लेकिन अगर देश की जनता यकीन कर रही है, देश की जनता बार बार वोट दे रही है, तो आपके यकीन ना यकीन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बड़ा सवाल इस समय यह है, आप एजेंसी पे भी यकीन नहीं करते, आप कोर्ट पे भी यकीन नहीं करते, आप ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, किसी पे यकीन नहीं करते, आप सिर्फ अपने पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यह होगा कि आपका अपने ऊपर यकीन है कि लेकिन देश की जनता का आप पे यकीन नहीं है। यू आर लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। शिकायत हमें यह है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी पर भरोसा कर रहे हैं। ओके, सुधांशु रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी, और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ बड़ी मात्रा में, यह आरोप है। अरे स्टॉक मैनिपुलेशन होगा तो सेबी जांच करेगी उसकी, स्टेट का केस, जेपीसी जांच नहीं करती स्टॉक मैनिपुलेशन। जो क्रेडिटर्स हैं आईसीआईसीआई, उसने विरोध किया, उसकी बात नहीं। मेरा 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 निवेदन है, जांच तो करनी चाहिए सर। मेरा निवेदन है, एक एक करके सुधांशु कॉमिन एंड रिप्लाई। सुधांशु जी, देखिए, ये कांग्रेस और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो विपक्षी दल हैं, इनको किस में खोट नजर नहीं आया है? ईवीएम में तो खोट है, इलेक्शन कमीशन में तो खोट है, ईडीसीबीआई में तो खोट है, यहां तक सुनिए, जरूरत पड़ने पे कोर्ट पे आरोप लगा दिया, जरूरत पड़ने पे मीडिया पे आरोप लगा दिया, और तो और जब वैक्सीन बन रही थी तो वैक्सीन करने वाले डॉक्टरों, अरे इतनी जल्दी कैसे बन सकती है, और जब बन के आ गई सीमाई पे आरोप लगा दिया कि साहब ये भी गलत है, और सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयर स्ट्राइक हुई तो एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, सेना जो इंटेलिजेंस कहती है कि रोहिंग्या जो है खतरनाक है तो इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं है। मेरे भाई, भरोसा किस पे है ये बता दीजिए, मैं इनसे विनम्रता से, राहुल जी पे भरोसा है? भारत का एक इंस्टीट्यूशन बताया, एक सिंगल जिसपे इन्होंने आज तक भरोसा किया। अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि राहुल जी ने आपको, मैं मीडिया के बारे में एक बात, अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला कि राहुल गांधी ने, अरे भाई ये बताइए, अभय दुबे जी एक मिनट, एक लाइन पूरी कर दूं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए, राडिया टेप याद है, जब एंकर पूछ रहे थे कि कौन सी मंत्रालय आपको चाहिए मंत्री से, और बताइए कारपोरेट लॉबिस्ट ये बात कर रही है जिससे ये बताया जा रहा है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री किसको मिल रही है, भूल गए मेरे भाई, याद है कि नहीं? आज कह रहे हैं मीडिया के बारे में, मैं चुनौती से कहता हूं, मीडिया के एंकरों ने कभी तय करवाया हो मंत्रालय, और इतना नहीं पूछ रहे हो कौन सा मंत्रालय चाहिए, और ये कहा जा रहा राजा अच्छा रहेगा, इतनी जल्दी भूले नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, और दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करिए, और आगे यहां भाषण देने लगे, देश की हर व्यवस्था जी 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 जी, मगर अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे थे, अनुराग भदौरिया किसी चीज पे यकीन नहीं है, ईडी कुछ करे तो उसपे यकीन नहीं, कोर्ट कुछ करे तो उसपे यकीन नहीं, ऐसा क्यों? वैक्सीन पर तो आपको भी यकीन नहीं था, आप इसको मोदी की वैक्सीन मान रहे थे, लेकिन आज वही वैक्सीन जीवन रक्षक बनी हुई है। देखिए अनुराग भदौरिया, वो कहते हैं कि सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बातों को तोड़ना मड़ोड़ना कितनी अच्छी तरह जानती है। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके डिलीवरी सिस्टम पे भरोसा नहीं है, जिस तरह से आपने देखा वैक्सीन किस तरह से खुली साइकिलों पे घूम रही थी, याद है आपको? अरे अखिलेश जी को सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला था, और इसको इन्होंने कैसे कर लिया, उन्होंने बोला था, और भारतीय जनता पार्टी कैसे कहती है उसको अपने हिसाब से तोड़ मड़ो लेती है, नहीं नहीं बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी वाले इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए जो भैया वैक्सीन बनाने लग जाएंगे? अपनी बात को सही से कह लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। आपने जो देश के साथ जो वादे किए थे वो पूरा कर दीजिए ना प्रभु। अच्छा, आप न्यूट्रल आदमी है। ये जो अधीर बाबू आज बोल रहे थे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने आज बीजेपी को पप्पू बना दिया, और बोला कि उस पर आपका, उस वक्तव्य पर आपका कमेंट क्या है? देखिए, मेरा तो सीधी सी बात है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला हमने नहीं सुना, मैं आपको सच बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है, बिना सुने मैं क्या बोल दूं? दूसरी बात, सुधांशु कुछ कह रहा था, 10 सेकंड, 5 सेकंड में सुधांशु और अभय दुबे को दूंगा लास्ट वर्ड के लिए। सुधांशु जी,
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन की गरिमा को रखा और उन्होंने कहा किसी सांसद के लिए यह शब्द पप्पू नहीं प्रयोग होना चाहिए, परंतु कांग्रेस के 136 साल के इतिहास में कांग्रेस का नेतृत्व नायक भी बना, खलनायक भी बना, परंतु यह संज्ञा पहली बार कांग्रेस को मिली है, इसलिए उनकी 137-138 साल की ओके, बड़ी चुनौती। ओके, 5 सेकंड अभी दुबे, लास्ट वर्ड अभी दुबे, 5 सेकंड, शार्प 5 सेकंड। राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। मैं भरोसा करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी पर और देश के प्रधानमंत्री जी पर। कह दीजिए ना प्रधानमंत्री जी आकर, जैसे शुक्रिया। आज कमीश में कई लोग जुड़े, कृष्ण शर्मा जुड़े, तरुण जुड़े, मयंक शर्मा जुड़े, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए और अपने सवाल दागते रहिए आज कमीश के अंदर। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि हर व्यक्ति अपनी लॉबी के लिए बोला, हर व्यक्ति यानी हर नेता अपनी ऑडियंस के लिए बोला। नरेंद्र मोदी मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बोले तो राहुल गांधी ने अपनी एक लॉबी को सेटिस्फाई करा। यही आज की चर्चा का निष्कर्ष है। आर पार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, अगला कार्यक्रम तैयार है। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।